गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न प्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीविज़न प्रोडक्शन दो टर्म इसमें आ रहे हैं, एक टेलीविज़न और दूसरा प्रोडक्शन। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं टेलीविज़न निर्माण, या और सरल भाषा में कहना हो तो कहा जा सकता है कि टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण। टेलीविज़न के आविष्कार के समय किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना विकसित हो जाएगा, और आज पूरे विश्व में घट रही घटनाओं के सजीव दृश्य के साथ ध्वनि प्राप्त की जा सकेगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा। और साथ ही जब 90s के दौर में, 90 के दशक में जब केबल टीवी आया, तो उसके बाद टेलीविज़न ने एक ऐसी जगह बनाई कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी कठिन हो गई। लोग जो है ये लोगों की मुख्य आवश्यकताओं में शामिल हो गई। और इसमें एक चीज़ और बड़ी रही कि समाज के हर वर्ग को इसने प्रभावित किया। गृहिणियाँ रही हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, युवा हों, सभी को इसने समान रूप से प्रभावित किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न ने ना सिर्फ लोगों के वैचारिक स्तर में परिवर्तन किया, बल्कि बोलचाल से लेकर रहन सहन, खान पान, सभी को प्रभावित किया। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें ऐड में दिखती है या विज्ञापनों में दिखती है, या जो भी फैशन टेलीविज़न में आता है, लोग उसकी नकल करते हैं। टेलीविज़न में प्रसारित जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह से हाव भाव, बोल चाल। और ये भी आप देखते हैं कि आज तो इतनी उपयोगिता बढ़ गई है कि आज बहुत सारे लाइफ स्टाइल, कैसे दिन गुजारें, किस तरह से रहें, बहुत सारे कुकिंग चैनल्स, कैसे खाना बनाएँ, क्या बनाएँ। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा खान पान, रहन सहन, सभी को इसने प्रभावित किया है टेलीविज़न ने। तो चूँकि टेलीविज़न प्रोडक्शन पे बात होनी है, तो थोड़ा सा हम पहले टेलीविज़न को समझ लें, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ लें, तो हम और अच्छे से इसके निर्माण को समझ पाएंगे। टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम, प्रभावशाली माध्यम होता जा रहा है, और ये दो शब्दों के मिलन से बनता है जो कि ग्रीक शब्द हैं, टेली और विज़न। टेली का अर्थ होता है दूर, और विज़न का अर्थ होता है देखना। अर्थात ये कह सकते हैं कि दूर की चीज़ें देखना, या दूर दराज की चीज़ों को देखने से इसका आशय लगाया जा सकता है। तो जल्दी से हम विश्व में टेलीविज़न के इतिहास पर एक नज़र डाल लें, उद्भव पर एक नज़र डाल लें, जिससे कि हम आगे हमें समझना आसान हो जाएगा कि टेलीविज़न किस तरह से काम किया और किस तरह से इसका आविष्कार हुआ, या इसके आविष्कार में किन किन वैज्ञानिकों या किन किन आविष्कारों ने सहायता प्रदान की। अब ऐसे तो टेलीविज़न का आविष्कार माना जाता है ब्रिटेन के जॉन लोगी बेयर्ड, इनको ही आविष्कारक माना जाता है टेलीविज़न का। और जॉन लोगी बेयर्ड ने अपने टेलीविज़न के प्रदर्शन के दौरान दूर के दृश्यों को तत्काल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया था। लेकिन वास्तव में टेलीविज़न का जो रूप आप देख रहे हैं वर्तमान में, LED, 3D टेलीविज़न, प्लाज्मा, ये जो है बहुत सारे क्रमिक खोजों एवं बहुत सारे क्रमिक विकास का परिणाम है ना। निरंतर जो ये खोजें होती रही, उसका परिणाम है। कुछ एक वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या उनके आविष्कारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। इसमें सबसे पहला नाम आता है जर्मन वैज्ञानिक पॉल निपकाऊ। इनकी स्पेलिंग की बात किया जाए तो PAUL, पॉल, NIPKOUC, पॉल निपकाऊ ने 1884 में वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने के लिए टेलीविज़न के मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम की खोज की। अब आप इसमें एक टर्म आ रहा है, स्कैनिंग सिस्टम। तो स्कैनिंग सिस्टम क्या होता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे विस्तार से। अभी हम ये समझ लें, ये कई तरह से होती है, मैकेनिकल होती है, इसके अलावा इंटरलेस्ड स्कैनिंग भी होती है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग भी होती है, जिस पर हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, पॉल निपकाऊ ने, कि एकल डिस्क स्पायरल लेंसों की व्यवस्था थी, जिसमें प्रत्येक लेंस टीवी पिक्चर की लाइन प्रेषित करता था,
है ना, टीवी पिक्चर की लाइन प्रेषित होने से उन्हीं चित्रों से उन्हीं लाइनों से पूरा एक फ्रेम बन जाता था। तो इसे शुरुआत में बोला गया निपकाऊ डिस्क के नाम से भी इसे पुकारा गया, है ना। तो यह टीवी की महत्वपूर्ण लेकिन प्राइमरी अवस्था थी, शुरुआती थी, शुरुआत था। और अगर आप बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के में सर्वप्रथम 1920 में किसी दृश्य के साथ आवाज़ को देखने पर शोध शुरू किया गया कि हम दृश्य तो देख रहे हैं साथ में हम आवाज़ भी देख सकें। तो ये इसका अगला चरण था। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने के लिए पॉल निपकाऊ ने मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम बनाया। उसके बाद 1920 में जो पश्चिमी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि दृश्य के साथ आवाज़ को भी देखने पर शोध शुरू किया गया। इसमें एक प्रमुख नाम है अमेरिकन वैज्ञानिक के वी ज्वेरकिन का। तो ज्वेरकिन की स्पेलिंग आप नोट कर लें, ZWORYKIN, है ना, वी ज्वेरकिन ने 1923 में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जिससे टीवी संदेशों को सही रूप में प्रेषित करने पर सफलता हासिल की गई। तो 1923 में जो इनका प्रयोग था, ये काफ़ी टेलीविज़न को बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। उसके बाद अमेरिका के एक जेकिंस नीज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण के प्रदर्शन किया। और 1927 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज द्वारा तार के माध्यम से भी टीवी कार्यक्रम भेजा गया। तो अगर आप इस पर ध्यान दें, तो सबसे पहले वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिक पॉल निपकाऊ 1884 जिन्होंने वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने के लिए टीवी के मैकेनिकल सिस्टम की खोज की। उसके बाद जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो आता है अमेरिका के वैज्ञानिक वी ज्वेरकिन का, जिन्होंने 1923 में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जिससे टीवी के संदेशों को सही रूप में प्रेषित करने में सफलता हासिल की गई। और उसके बाद अमेरिका के वैज्ञानिक थे जेकिंस नीस, इन्होंने यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया। और लास्ट में 1927 में बेल लेबोरेटरीज ने एक तार के माध्यम से टीवी कार्यक्रम भेजा गया। तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे सुधार होते चले गए। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक थे फाइलो टेलर फंसबर्थ ने प्रकाश किरणों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में बदलने की बात कही जिसे विश्व के वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि लाइट सिग्नल्स जो है वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल सकते हैं और उनको मान्यता मिली। फंसबर्थ ने कहा था कि वैक्यूम ट्यूब की सहायता से इमेज का प्रसारण और ग्रहण के कार्य सुविधाजनक ढंग से हो सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से जो इमेज ट्रांसमिट हो रही है ना, और रिसीव हो रही है, ये बहुत ही आसानी से की जा सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि ट्यूब को जो है वो विद्युत शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनाना होगा ताकि वो वायुमंडल में प्रेषित चित्र को कैद कर सके। मतलब जो भी आप एटमॉस्फेयर में चीज़ें भेज रहे हैं उसको वापस रिसीव कर सके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय जो है लगभग बहुत पैसा खर्च करने के बाद, 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, अमेरिका के इस वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से प्रथम प्रसारण के क्रॉकर बैंक में रख के एक डिब्बे पर डॉलर का चित्र संप्रेषित किया जो इस दुनिया का सर्वप्रथम टेलीविज़न प्रसारण माना जाता है। ठीक है, तो 1928 में विश्व के प्रथम प्रायोगिक टेलीविज़न स्टेशन की शुरुआत हो गई। और 26 जनवरी सन 1929 में इंग्लैंड में BBC द्वारा नियमित दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। इसके अलावा मार्कोनी ने भी किया कि इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और रिसीविंग ट्यूब के विकास ने इनकी यांत्रिक समस्याओं को दूर तो किया और तस्वीर और ध्वनि की गुणवत्ता में भी अपेक्षित सुधार हुआ। ध्वनि वाले दूरदर्शन का प्रथम सार्वजनिक प्रसारण ब्रिटेन ने सन 1930 या 1930 में शुरू किया। और धीरे धीरे टेलीविज़न ये इसी रूप में सारी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगा। तो
इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन प्रयोगों की मदद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस समय के तत्कालीन जो टेलीविज़न का स्वरूप था वो बनाने में मदद मिली। और ब्रिटेन में 1930 से 1930 से शुरू हो गया। अच्छा, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ये प्रसारण थोड़ा देर से शुरू हुआ, 8 सालों बाद 1938 से प्रारंभ हुआ और 1941 में अमेरिका में ये प्रसारण शुरू हो गया। तो एक तो ये चीज़ रही, लेकिन उसी दौरान आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, यूरोप में ये जो प्रसारण था ये आकस्मिक रूप से बंद हो गया। और फिर भी उस दिशा में प्रयोग चलते रहे, लेकिन उस समय जो है ये प्रसारण बंद कर देना पड़ा। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया तब ये सेवाएं फिर पुनः शुरू हो गईं, दोबारा शुरू कर दी गईं। और सन 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले रंगीन दूरदर्शन प्रसारण का प्रारंभ शुरू कर दिया। तो ये हुआ कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ द्वितीय वाला, उसके बाद ख़त्म हुआ, तो उस दौरान जो है प्रयोग चलते रहे। और युद्ध के बाद जब युद्ध ख़त्म हो गया तो फिर इसमें अमेरिका को श्रेय जाता है कि उसने 1953 में सबसे पहले रंगीन दूरदर्शन की प्रसारण शुरू कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि 1955 ईस्वी में यूरोविज़न नेटवर्क विधिवत देखा गया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये कार्यक्रम शुरू हो गए पूरे विश्व में, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था टेलीविज़न के विकास का, जिसमें कि हमने जाना कि किस तरह से अलग अलग प्रयोगों को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर इन्होंने प्रसारण दूरदर्शन ने शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने टेलीविज़न के थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न के तकनीकी पक्ष की। तो टीवी के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं ध्वनि भी चाहिए और दृश्य भी चाहिए। तो इसमें क्या किया गया कि टीवी की साउंड और वीडियो को जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर दिया गया। ये तरंगें टीवी के आकार, फिर मूल ध्वनि और दृश्य में बदल जाती हैं। अब जैसे कि टीवी कैमरे में एक ऑर्थिकॉन ट्यूब होती है और दृश्य का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा इस ट्यूब पर लगी फोटो सेंसिटिव सेल्स पर पड़ता है और प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्लेट में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद कैथोड रे ट्यूब के द्वारा स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग से प्रतिबिंब विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वीडियो सिग्नल कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करके प्रसारित किया जाता है। साथ ही आवाज़ को माइक्रोफोन द्वारा विद्युत धारा में परिवर्तित करके तथा आवृत्ति मॉड्यूलेटेड करके प्रसारित किया जाता है। इसे ऑडियो सिग्नल कहते हैं। दृश्य और आवाज़ की ये विद्युत चुंबकीय तरंगें एंटीना से टकराकर हमारे टीवी सेट पर पहुंचती हैं और सेट द्वारा दृश्य तथा ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम बात करें इसको अलग तरह से समझने की, तो ये तो तकनीकी पक्ष था। थोड़ा सा और इसको सरल तरीके से समझते हैं कि टेलीविज़न को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया में वीडियो कैमरा और ट्रांसमीटर का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। तो पहला हो गया वीडियो कैमरा और दूसरा हो गया ट्रांसमीटर, क्योंकि ये वो साधन है जो किसी दृश्य को इलेक्ट्रॉनिक में रूपांतरित कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। सर्वप्रथम वीडियो कैमरे द्वारा किसी दृश्य विशेष को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंबों से परावर्तित किया जाता है और उसके बाद ट्रांसमीटर उपग्रह आदि की सहायता से उसे संप्रेषित कर दिया जाता है। दूरदर्शन एंटीना इन प्रतिबिंबों को संग्रहित करता है, उसके बाद पिक्चर ट्यूब या काइनेस्कोप की सहायता से इन प्रतिबिंबों को मूल दृश्य पर्दे पर उतर आते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाशीय अभिरचना को वैद्युत आवेगों तथा वैद्युत आवेगों को पुनः प्रकाशीय अभिरचना में परिवर्तित कर दिया जाता है।
अगर हम डॉक्टर जेम्स की बात को समझें तो उनका कहना था कि टेलीविज़न वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रति सेकंड 30 पूर्ण चित्रों को वैद्युत चुंबकीय वाहक तरंगों की सहायता से रिकॉर्ड करने, स्पेस में प्रेषित करने और उसकी पुनर्संरचना करने में सक्षम है। और यह प्रक्रिया इतनी तीव्र गति के साथ संपन्न होती है कि मीलों पर घट रही घटनाओं को हम करीब करीब ठीक उसके समय टीवी के पर्दे पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप खाली टीवी खोलकर सुदूरवर्ती घटनाओं को आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। टीवी कैमरा जिसमें एक माइक्रोफोन जुड़ा होता है, स्टूडियो के अंदर या बाहर किसी दृश्य से विसर्जित होने वाले चित्र एवं ध्वनि संकेतों को पिकअप करता है। पिकअप किए हुए इन संकेतों का टीवी कैमरा तो जीवंत संप्रेषण करता है या बाद में रिकॉर्ड के रूप में भी सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न में प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का जो मूल बात आई वो क्या आई कि किसी दृश्य को इलेक्ट्रॉनिक में रूपांतरित करना है ना, और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंब में परिवर्तित करना और उसके बाद उसको वैद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करके वापस प्राप्त कर लेना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न का एक बेसिक तकनीकी पक्ष के बारे में हमें जानकारी हुई। अब बात करते हैं स्कैनिंग तकनीक की, या स्कैनिंग तकनीक क्या होती है। जो टेलीविज़न में चित्र बनते हैं वो समानांतर रेखाओं में बनते हैं। आपको जो टीवी पर चित्र दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं कि 625 लाइनों से मिलकर बनते हैं, है ना। एक सेकंड में 25 बार स्कैनिंग होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में वो 25 चित्र आपको इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि एक पूरी स्कैनिंग करने में आप ये कह सकते हैं एक सेकंड का 25वां भाग लगता है। तो कैमरे द्वारा टेलीविज़न चित्र को एक लाइन को दूसरे किनारे स्कैन करने में एक सेकंड का 64 मिलियन टाइम लगता है, एक सेकंड का 64 मिलियनवां भाग, या आप कह सकते हैं कि एक सेकंड का 64 मिलियन भाग का समय लगता है। यह स्कैनिंग ऊपर से नीचे की ओर समानांतर तब तक चलती है जब तक कि 241 समानांतर स्कैन पूर्ण नहीं हो जाते, उसे एक फील्ड कहते हैं, और एक चित्र में दो फील्ड होते हैं। अब स्कैनिंग तकनीक के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैन जब ये करता है टेलीविज़न तो समानांतर चित्र बनते हैं, 625 लाइनों में स्कैन होते हैं, है ना। लेकिन इसमें दो तरह की होती है स्कैनिंग, इंटरलेस्ड स्कैनिंग और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो शुरू में आई थी पहले, इसमें क्या हुआ कि टेलीविज़न द्वारा चित्र निर्माण में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा विषम स्कैनिंग होती है, दाएं तथा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर स्कैनिंग होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा कि ऑड लाइन स्कैन होगी, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन, 9 लाइन, 11 लाइन, उसके बाद फिर होगी 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, इस तरह से इवन लाइन। तो ऊपर से नीचे तक ये स्कैन होती है ऑड लाइन और इवन लाइन में, ठीक है। सबसे पहले ऑड लाइन स्कैन हो जाएगी, उसके बाद इवन लाइन स्कैन होगी। तो दोनों स्कैन होने के बाद आपको एक पूर्ण चित्र प्राप्त होता है, और पूर्ण चित्र के निर्माण में विषम एवं सम रेखा द्वारा 1/25 में हो रही स्कैनिंग मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती हैं। इतनी तीव्र गति से होती है, कहने का मतलब है कि मनुष्य की आंखें ऐसे नहीं देख पाती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक चित्र जिसमें 262 लाइनें होती हैं वह 1/50 सेकंड में बनती है, जिसे एक फील्ड ही कहते हैं। इस प्रकार एक पूर्ण चित्र में दो फील्ड होती है, और इंटरलेज स्कैनिंग को आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी स्कैनिंग वो होती है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, जिसकी की क्वालिटी हमेशा इंटरलेज स्कैनिंग से अच्छी होती है ना। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि इवन एंड ऑड लाइन साथ में स्कैन होती है, ऐसा नहीं है कि जैसा कि इंटरलेज स्कैनिंग में आपने सुना था पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, सातवीं लाइन, पहले ऑड लाइन हो फिर दूसरी, चौथी, छठवीं, आठवीं हो, ऐसा नहीं है।
इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह लाइन से स्कैन होती है और इसमें चित्र का निर्माण होता है और इसे क्रमबद्ध स्कैनिंग या सिक्वेंटल स्कैनिंग भी कहते हैं। और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग को पी से प्रदर्शित करते हैं, आपको मैं बता ही चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव स्कैनिंग से बने चित्र में इंटरलेस स्कैनिंग चित्र की अपेक्षा कम फ्लिकर होता है और स्थायित्व अधिक होता है, या सामान्य रूप से कहना हो तो चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से ये इसका एक आप कह सकते हैं कि स्कैनिंग के बारे में आपने जाना कि स्कैनिंग तकनीक क्या होती है, इंटरलेस स्कैनिंग क्या होती है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग क्या होती है। हालांकि इस पर हम एक वीडियो भी जारी करेंगे जिसमें आप आसानी से उसे देख सकेंगे आगे आने वाले समय में कि किस तरह से ये स्कैन होती है। स्कैनिंग के चित्र आपको हम दिखाएंगे आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से और बताएंगे कि किस तरह से ये स्कैनिंग होती है और इसके चित्र क्यों प्रोग्रेसिव स्कैनिंग का चित्र इंटरलेस से अच्छा होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि क्योंकि चित्र कैसे आता है, टेलीविज़न में चित्र जो है ये विभिन्न लाइनों के माध्यम से आता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये लाइनें जो बनती हैं, पहली लाइनें क्या होती हैं, ऑड लाइनें 1, 3, 5, 7 और उसके बाद इवन लाइन जो कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग बोली जाती है, और दूसरी जो कि कंटिन्यूसली होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये स्कैनिंग उससे अच्छी होती है और उसके चित्र जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से आज इस क्लास में हमने जाना कि किस तरह से टेलीविज़न में टेलीविज़न का विकास हुआ और टेलीविज़न में जो एक टर्म है तकनीकी पक्ष को भी समझने का हमने प्रयास किया। तो आज की क्लास चूँकि थोड़ा लंबी हो गई और थोड़ा तकनीकी भी है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार।